गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्लासेस ऑफ आईयूटी। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था हमारे यूनिक ग्रुप की तरफ से, हम लोग आप लोगों के लिए बिल्कुल एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल सेशन लेकर आने वाले हैं। हमारी जो क्लासेस हैं उसमें हम जितनी भी ओ लेवल के प्रैक्टिकल्स हैं, आप लोगों को एडमिट कार्ड ज़रूर ही मिल गया होगा, तो आप लोग जान सकते हैं कि कब आप लोगों का प्रैक्टिकल है। और देखिए, थ्योरी क्लासेस में तो हम लोग रिवाइज करते हैं क्वेश्चंस और सब चीज होता है। तो देखिए, प्रैक्टिकल्स हैं, आप लोगों को एडमिट कार्ड जरूर ही मिल गया होगा, तो आप लोग जान सकते हैं कि कब आप लोगों का प्रैक्टिकल है। और देखिए, थ्योरी क्लासेस में तो हम लोग तो देखिए जो है हम लोगों का जो प्रैक्टिकल क्लासेस है, थ्योरी में तो देखिए हम लोगों को एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, सेट पैटर्न होता है हमारा, प्रैक्टिकल के लिए भी सेट पैटर्न होता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ओ लेवल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका जो प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमको उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड कराते हैं, जैसे पाइथन है, वेब डिज़ाइनिंग है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस समय जो हम आप लोगों के लिए लेकर है सब्जेक्ट, वो है आईओटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जो है, क्योंकि इसमें हमारा जो आईओटी है, देखिए आईओटी से रिलेटेड अब तक आपने काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन भी हुए हैं, आपको हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उन लोगों ने प्रैक्टिकल सेशंस भी लिए हैं, लेकिन अब हमको ये देखना है कि इसका जो प्रैक्टिकल है वो एग्ज़ाम के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गुड इवनिंग करना चाहूँगी उन सभी लोगों को जो इस समय कनेक्टेड हैं हमसे, और जो नहीं हमसे जुड़े हुए हैं वो तो जल्दी से जुड़ जाएँ हमसे, कि हम क्या कर सके, हमारी जो क्लासेस हैं आप जो इसके प्रैक्टिकल सेक्शन है कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिकल के लिए, तो उस जो क्लासेस हैं उनका बेनिफिट उठा पाएं। ठीक है, तो जल्दी फटाफट हम लोगों से ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग भी ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुँचा सके। गुड इवनिंग चंदन मौर्य जी, गुड इवनिंग। ठीक है, होपफुली जो है आप लोग भी के अंदर भी ये क्यूरियोसिटी होगी कि प्रैक्टिकल जो एक ऐसी चीज़ है, देखिए थ्योरी तो पढ़ के जाना है और कर देना है, और प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आपको वहाँ जाके करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी होती है और थोड़ा सा जो है नर्वसनेस भी होती है, तो उसकी जो नर्वसनेस है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल जो प्लेटफॉर्म आपको यहाँ नज़र आएगा और जिस तरह के सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको वहाँ जाके करना है, सेम स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन होना है हमारे साथ। और हम देखिए मेरे जो बैक साइड है यहाँ पर प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है प्रैक्टिकल का, तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप पहले ये देखेंगे कि कैसे हमारा क्वेश्चन पेपर है। आपको पता ही है कि आईओटी जिसका जो कोड है, हमारा जो ये आईओटी है इसका जो कोड है वो है M4R5। ठीक है, तो ये हमारा आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन है, एंड इसका जो प्रैक्टिकल है वो हमारा 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल इसका कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 100 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल्स होता है उसमें से जो आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं, एंड 20 मार्क्स का आपका इसमें वाइवा होता है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है वाइवा मार्क्स 20। ठीक है, 40 और 40 टोटल प्रैक्टिकल्स का होता है जिसमें से एग्जामिनर्स और ऑब्जर्वर टोटल मिलाकर आपको 40 80 के मार्क्स देते हैं। एक क्वेश्चन पेपर होता है, उस क्वेश्चन पेपर पे क्या होता है आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आईओटी में अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और उन चीज़ों को अब हमको अप्लाई करना है कोडिंग के साथ। ठीक है, तो अब दो चीज़ें हमारे पास हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ी हैं अब उसको मर्ज करना है प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है आईओटी का। बिल्कुल आप लोगों ने नेट पर ज़रूर इसको देखा होगा, इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है वो देखिएगा और कितनी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है, क्योंकि मेनली प्रैक्टिकल में लिखने का नहीं दिखाने का मार्क्स होता है। तो जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक बिल्कुल आपका जो है वो
मतलब जो आपका प्रोग्राम है वो रन करके आपका दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह के पैटर्न पर होगा आपका, ठीक है। अलग अलग बैचेस में हो सकता है, तो जनरली जो आपके आईयूटी का जो है क्वेश्चन पेपर उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं आपके, 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सेम पैटर्न होता है, बस क्वेश्चंस में चेंजेस होते हैं, ठीक है। कुछ डिवाइसेस के मैं आपको नाम बताऊंगी इसमें, जिसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं बार बार, और कुछ और क्वेश्चन पेपर्स के हम आने वाले दिनों में इसका सॉल्यूशन करेंगे और कोडिंग आपको देंगे कि जिसकी आप प्रैक्टिस करके आप बार बार इसका वो कर सकते हैं कि कोडिंग की प्रैक्टिस करें अगर आप, तो जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें कि आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो कोडिंग है वो सही तरीके से हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो कोडिंग है जब वो रन करेंगे तभी उसके मार्क्स मिलेंगे, और बिल्कुल आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मतलब आपको ये देखना है कि डिवाइस के अकॉर्डिंगली आपको कोडिंग कैसे करनी है, तो इसमें याद नहीं करने वाली समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम रन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे पाइथन है, पाइथन के लिए तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है कि जिसपे आप पाइथन की कोडिंग को रन करते हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से वेब डिज़ाइनिंग आप रन करते हैं नोटपैड पर एंड उसका ब्राउज़र फाइल बनाकर, तो इस तरीके से जो हमारे आईओटी है उसके लिए भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन में ही आंसर है, तो क्वेश्चन है उसमें ही उन्होंने हमको कहा है कि ये जो डिवाइसेज है इसके लिए कोडिंग करनी है एंड किस प्लेटफॉर्म के ऊपर करनी है। तो हमको ये समझना है पहले कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, एंड फिर उसके बाद हमको ये समझना है कि ये जो प्लेटफॉर्म इन्होंने हमसे मांगा है, ठीक है, मतलब कहा है कि जिसके ऊपर कोडिंग करनी है उस प्लेटफॉर्म को आपको यूज़ कैसे करना है। तो देखिए आपको उसमें कहीं से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बिल्कुल ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो प्लेटफॉर्म है हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे एंड ऑल, वो प्लेटफॉर्म वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करेंगे एंड बस आपको क्या करना है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोडिंग करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल भी एकदम घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल कोडिंग है इसमें, ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदन मौर्य जी, आप कैसे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि हमारे जितने भी प्रैक्टिकल सेट्स हो रहे हैं हमारे यूनिक ग्रुप की तरफ से आप बिल्कुल उसका बेनिफिट उठा रहे होंगे, और इस समय हम कर रहे हैं आईओटी का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं हम इसके प्रैक्टिकल सेशन प्रैक्टिकल की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे हैं, 3 क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया कि इसके जो जो क्वेश्चन पेपर हैं वो जो है इसमें आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो 25 मार्क्स का है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो 25 मार्क्स का है, ठीक है। जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है वो भी 25 मार्क्स का है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन आपके 25 मार्क्स के हैं, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन ही मिलाकर आपके 50 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। तो और इसमें ये भी होता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी होते हैं, कोई इंटरनल चॉइस टाइप की चीज़ इसमें नहीं होती है। तो इसमें ये बहुत उसकी बात नहीं है कि आपको इंटरनल चॉइस नहीं मिली है तो किस तरीके से आप इसको करेंगे कि कोई स्किप तो नहीं कर सकते या कोई सबसे अच्छा आता हो या खराब, ठीक है। एक एक करके सभी क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने ही हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये देखिए ये 30 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 30 मार्क्स का है। तो ये 30 मार्क्स का क्यों है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसके 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप्स 2 जरूर हैं इसमें, लेकिन प्रोग्रामिंग एक ही है इसकी, जो हम इसका प्रोग्रामिंग कोड है वो एक ही है इसका, ठीक। तो प्रोग्रामिंग जो हम इसकी करेंगे वो एक ही प्रोग्रामिंग होगी, एक सिंपल प्रोग्राम आपका बनेगा और उसी एक प्रोग्राम में हम क्या करेंगे उसकी दोनों की दोनों क्या करेंगे इसके जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, और किस तरीके से करेंगे अभी देखेंगे हम इसको कि किस तरह करेंगे। तो इस तरीके से 50+30 मिलाकर आपका 80 का क्वेश्चन पेपर हो जाता है प्रैक्टिकल का, और बाकी जो 20 है वो आपके वाइवा से होते हैं। तो जनरली जब भी हम देखिए वाइवा के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है तैयार करना। क्यों मुश्किल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ों से पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे कभी कभी जो
ये देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड पर भी डिपेंड करता है कि भाई एग्जामिनर पर भी डिपेंड करता है कि उस समय वो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ ले। तो हो सकता है कि जो प्रोग्राम आप लिख कर ले जा रहे हैं उसी प्रोग्राम से रिलेटेड वो आपसे ये पूछ ले कि क्या क्या है, ठीक है। तो प्रोग्राम जो भी करना है वो बहुत ही ध्यान से करना है, और उस प्रोग्राम में हमको ये देखना है कि जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी जो लाइन्स हम लिख रहे हैं कोडिंग की, वो बिल्कुल हमको ये पता हो कि इसकी कौन कौन सी लाइन्स है और किस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। जो लोग अभी तक हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं, ज्वाइन हो जाइए इसके साथ, क्योंकि एक बार हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद जो क्या है आपको फिर ये बीच में ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा बेनिफिट नहीं आप इसका उठा पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट।
ठीक है, तो देख लेते हैं ये जो है इस समय ये आपका आर्डिनो का आईडी है, इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये देखिए ये आर्डिनो इसमें ऑलरेडी इसमें एनेबल्ड आप कह सकते हैं कि नज़र आ रहा है हमको ऑलरेडी, इस तरह का कुछ सर्किट बोर्ड होता है एंड ये इंटरफेस है जिसमें हमको कोडिंग करनी है। ठीक है, ये होपफुली आपको सबको नज़र आ रहा होगा, अगर आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये स्क्रीन नहीं आ रही इसमें, नहीं वो नहीं आ रहे ना, नहीं कमेंट्स, चलिए ठीक है। तो ये जो है आपका आउट यहाँ पर जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, देखिए जो जब भी हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करते हैं किसी भी डिवाइस के लिए, जैसे भी हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, तो यहाँ इस तरह का देखिए इंटरफेस आपको प्रोवाइडेड होता है। ये जो है इस पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे, बाद में हम इसको रन कराएंगे एंड रन कराने के बाद उसका जो इफेक्ट है आपको यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, अब अगर हम कोडिंग की बात करें तो इसी तरह का जब ये ओपन होता है तो इस तरह इसका होता है और इसमें दो तरह के पार्ट्स आपको नजर आते हैं। तो ये देख लेते हैं कि पहले जो आपका जो ये कोडिंग पार्ट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दो पार्ट है, पहला है इसका वॉइड सेटअप, ये पार्ट है ये देखिए यहां से यहां तक, ठीक है वॉइड सेटअप, एंड दूसरा है इसका वॉइड लूप। आप कह सकते हैं कि जो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग है उसमें दो मेन पार्ट होते हैं, पहला है आपका सेटअप, ठीक है एंड दूसरा है लूप। ठीक है, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि जो वॉइड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम तब जब रिटर्निंग नहीं होती कहीं से भी, तो क्योंकि ये फंक्शन है एक तरीके से, आप फंक्शन ही कह सकते हैं इसको कि हम इसमें फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो सेटअप और लूप दो फंक्शन है, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है जो कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं फंक्शन बना रहे हैं, उसको यूज़ करके हम दो फंक्शंस बने हुए हैं आप कह सकते हैं कि सेटअप और लूप, एंड उसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोडिंग लिख रहे हैं। बने हुए दो फंक्शंस सेटअप के नाम से ऑलरेडी है एंड लूप जिसमें हम कोडिंग लिखेंगे कि हमको करना क्या है। ठीक है, अब ये क्यों ये दो हमारे ही सिर्फ है और ऐसा क्यों है कि ये बने बनाए हैं और अब हम इनको किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सेटअप पार्ट। तो जो इसका सेटअप पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, हमको जो भी डिवाइस इसमें यूज़ करने हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है और भी जितने तरह के डिवाइसेस इसमें यूज़ करने हैं, ठीक, जैसे कि अगर इसमें क्या अभी हमको एलईडी यूज़ करनी है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एलईडी बिल्ट इन करेंगे इसके अंदर, क्योंकि अब हमारा जो इनपुट डिवाइस इसमें यूज़ होगा या जो डिवाइस इसमें यूज़ होगा वो क्या होगा, एलईडी होगा। तो हम यहाँ पर इनको बताएंगे कि हमको क्या यूज़ करना है, एलईडी यूज़ करना है। इसके अलावा अगर ये किसी और चीज़ के लिए अभी आगे जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो अलग अलग डिवाइसेस के लिए होगा, तो जिसके लिए भी हम करेंगे उस डिवाइस से रिलेटेड कि हम उसमें इनपुट क्या दे रहे हैं या कहाँ से हमको आउटपुट पे, है ना, जैसे मान लीजिए कभी प्रोग्राम आ सकता है कि आपको क्या करना है, आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, है ना, डिजिटल मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिजिटल जो है वर्ड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब आपको कहने का मतलब है कि जिस या इनपुट या आउटपुट डिवाइस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली, जैसे यहाँ एलईडी इस क्वेश्चन पे एलईडी के बारे में पूछा गया है, तो आपको सेटअप पर क्या करना है, एलईडी के बारे में बताना है स्पेसिफिकली लिखकर कोडिंग में। ठीक है, तो सेटअप बेसिकली जो होता है वो सेटअप क्रिएट करता है, पिन क्रिएट करता है किसके लिए, सेटअप बनाता है किसके लिए, उस डिवाइस के लिए आपके आइंडो बोर्ड के ऊपर, है ना। तो ये तो सेटअप का बात हुआ, देखिए इसमें लिखा भी है पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस, तो जब भी हमारा जो सेटअप होता है वो एक बार रन करता है। हाँ, अगेन ये वाइवा का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है अक्सर कि जो आपका ये सेटअप कोड है ये कितनी बार रन करता है ना, वाइवा में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स कि आपका जो सेटअप है वो कितनी बार रन करता है, तो सेटअप का जो आपका कोड है वो सिर्फ एक बार रन करता है, वो सिर्फ एक बार रन करता है। ठीक है, एंड अगर हमको कुछ ऐसी कोडिंग लिखनी है कि जिसमें हमारे प्रोग्राम को हमको क्या करना है, बार बार रन कराना है, बार बार रन कराना है, जैसे कभी कभी होता है ना कि हमको क्या करना होता है कि हमको नंबर जनरेट कराने हैं एक से लेकर 100 तक, है ना, तो क्या करना है, एक से 100 तक जब तक जनरेट नहीं हुआ है वो कोडिंग बार बार चले, इवन नंबर जनरेट कराने हैं,
ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इवन और ऑड नंबर तो जनरेट नहीं कराने, हमको क्या करना है, हमें एलईडी को ब्लिंक कराना है, और ब्लिंक कराने का मतलब जलना बुझना, है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये ऑन ऑफ की प्रोसेस भी ब्लिंक में क्या होती है, बार बार होती है। जैसे आपकी जो दिवाली वगैरह में नहीं झालर होती हैं, झालर में जो बल्ब्स होते हैं वो एक्चुअली बल्ब लगते हैं, चल रहे हैं, वो चल नहीं रहे होते हैं, वो एक जलता है एक बुझता है, एक जलता है एक बुझता है। तो इस पैटर्न पे वो चलते हैं, कितने एक साथ जल रहे हैं और कितने एक साथ बुझ रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि कोई पैटर्न बन रहा है। तो हमारा एलईडी जो है वो भी इसी पैटर्न पे बनेगी। तो कितनी बार जलना है, कितनी बार बुझना है और कितना बीच में उसको डिले लेना है, ये जो हम है वो करेंगे हमारे कोडिंग पार्ट में, ठीक है। तो मेन जो हमारी कोडिंग है, जिसे हमें क्या होना है, अगेन एंड अगेन बार बार जिसको चीज़ को होना है वो हम क्या करेंगे, लूप में करेंगे, ठीक है। वो किस में करेंगे, हम लूप में करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ समझना ज़रूरी है। आप इसको समझने के बाद, एक बार अगर आप ये समझ जाएंगे तब क्या करेंगे, हम इसकी मेन कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको सेटअप पार्ट में क्या करना है। तो सेटअप पार्ट में कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमको क्या करना है, इसका सेटअप करना है, ठीक है। तो इसकी देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ क्लिक किया, ये डबल स्लैश लगा है, इसका मतलब ये कमेंट है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसकी कोडिंग। ये नज़र आ रहा होगा मेरे ख्याल से सब लोगों को, नहीं नज़र आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि नज़र नहीं आपको आ रहा है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अपने आप ही क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया, है ना। यहाँ देखिए ये एक्टिवेटेड हो गया, ठीक है। सिर्फ एक प्रोग्रामिंग आपको करने की ज़रूरत है इस पर, एंड उसके बाद क्या है, आप बार बार इसकी कोडिंग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका है void setup opening and closing bracket लिखा हुआ नज़र आ रहा है, as it is आपका आएगा, यहाँ पर आपका curly braces हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, ये डबल स्लैशेस में लिखा है पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन वंस, ये आपका किस में लिखा है, एज ए कॉमेंट मोड में लिखा है, यानी कि ये आपका क्या है, कंपाइल होने पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ से हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो हमने कोडिंग स्टार्ट की है, तो हमने इसको लिखा है क्योंकि हमें इसके अंदर करनी है जितनी भी हमारी कर्ली ब्रेसेस है इसमें कोडिंग होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बताएंगे कि हमको क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करना है, यानी कि कौन सा पिन मोड। तो हम इसको बताएंगे, ये देखिए जैसे ही मैं अगर किसी डिवाइस के बारे में देखिए आपका जो विजुअल बेसिक है एंड आप जिस तरह के भी इंटरफेसेस आपको प्रोवाइड करते हैं पाइथन या जावा वगैरह में जो कोडिंग करते हैं उसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ देखिए जैसे ही मैंने पी पर क्लिक किया इसने मुझे पूरी रेंज दिखा दी कि मैं क्या क्या चीज़ इसमें से यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें गलत कोडिंग लिखने की संभावना भी क्या होती है, बहुत ही मिनिमाइज हो जाती है। तो क्योंकि मैंने मुझे इसमें पिन कोड एंटर करना है, पिन मोड एंटर करना है, तो मैंने क्या किया, PIN पिन, ये देखिए पिन मोड ये लिखकर आ गया, सबसे पहला नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, सबसे पहला नज़र आ रहा है। तो मैं ये देखिए पिन मोड पर जैसे ही क्लिक करूँगी ये अपने आप आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो मैं इसमें क्या यूज़ कर रही हूँ, फंक्शन है एक तरीके का, ये पिन मोड फंक्शन है, मुझे इसमें पिन मोड करना है, यानी कि कौन सी पिन इंसर्ट कर रही है, किस डिवाइस के लिए, LED के लिए कर रही है। तो मैंने यहाँ पिन मोड इंसर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि आप इस पर क्लिक करते ही अपने आप आ जाएगा। आप सोचिए कि अगर लिखकर आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, अब लेकिन एक गलती बस मत करिएगा कि जो आप प्रोग्राम इस पे रन करा रहे हैं उसको उसी फॉर्म में आप अपनी जो आंसर शीट है उसमें भी लिखिएगा। देखिए गलती कहाँ होती है, हमसे गलती तब होती है, यहाँ तो प्रोग्राम रन कर रहा है, प्रोग्राम यहाँ तो आपका रन कर रहा है, सक्सेसफुली रन किया, एग्जामिनर ने देख लिया, लेकिन जो कॉपी में आपने उसका जो कोडिंग लिखी है उसमें कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल आप लिख देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें बराबर चेक होती है, एग्जामिनर ये तो चेक कर रहा है भाई आपको कोडिंग आती है, आपने सिस्टम पर कर दिया, लेकिन लिखने में गलती की, इसका मतलब आपको आपने क्या किया है, कोडिंग कहीं से देख कर लिखी है, ठीक है। तो जो आप रन कराइएगा बिल्कुल उसी को वैसे ही फॉर्म में लिखिएगा। देखिए ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, यहाँ पर सेमीकोलन क्लिक आ गया है अपना प्लग का टर्मिनेटर। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं ये नज़र आ रहे हैं आपको, है ना, इसके बीच में मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब मुझे इसे बताना है कि क्या है, इसमें मुझे एलईडी क्या लेना है, बुलेटिन। देखिए मैंने एल क्लिक किया तो यहाँ देखिए
आ गया इसमें कि एल से रिलेटेड कौन कौन से इसमें डिवाइसेस हैं, तो यहाँ देखिए लॉग है, लॉन्ग है, लूप है, लो बाइट है, एलईडी बुलेटिन है, लो है, एलएसबी फर्स्ट है, अनसाइंड लॉग है, ढेर सारी हैं इसमें, लेकिन इसमें से मुझे क्या लेनी है, एलईडी बुलेटिन, ठीक है। सो ये एलईडी बुलेटिन मैंने इसमें ले लिया है, ठीक है। बट एलईडी बुलेटिन में भी मुझे क्या चाहिए, एलईडी बुलेटिन इसके आगे क्या है, मैं लगाऊंगी डॉट। क्यों लगाऊंगी डॉट, क्योंकि मुझे अब इसमें क्या एंटर करना है, मुझे इसमें एंटर करना है इसका मेथड। तो ये एलईडी बॉट ये जो बुलेटिन इन मुझे क्या चाहिए, एलईडी में क्या चाहिए, आउटपुट मोड में चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ लगाया डॉट एंड इसमें लिख दिया आउटपुट। ये देखिए ओ क्लिक किया, ठीक है। कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ कि गलत होने की संभावना नहीं है, बस आप जरा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। बहुत जल्दीबाजी नहीं करिएगा, इजी कोडिंग है। तो ये क्या ऑपरेटर ओवरराइड, देखिए है ना, ओ सी आर नज़र आ रहा है इसमें, यहाँ देखिए नज़र आ रहा है ये आउटपुट, ठीक। बहुत ही सिंपल, पिन मोड अप्लाई किया मैंने, पिन मोड में एल ई डी बुलेटिन डॉट आउटपुट, ठीक है। मैं यानी कि मुझे एल ई डी को क्या करना है, बिल्ट इन करना है एज ए आउटपुट, क्योंकि मुझे किस पर आउटपुट चाहिए, एलईडी पर चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही मेरा सेटअप पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया, सिंपल एक लाइन की प्रोग्रामिंग है। अब हम चलते हैं अपने लूप की तरफ। लूप के अंदर मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, और लूप में मुझे क्या करना है, मुझे करना है एलईडी में ब्लिंक करना है, यानी कि क्या चाहिए मुझे, इसको डिजिटली राइट करना पड़ेगा, ताकि क्या करे ये प्रोग्रामिंग करे, किसमें करे, मेरी वो प्रोग्रामिंग करे जो मुझे एलईडी को ब्लिंक करता है। तो यहाँ करना है मुझे क्या, मैंने यहाँ पे ये देखिए लूप के अंदर प्रोग्रामिंग हो रही है, अब इसमें सेटअप में मेरी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ मैं आई, यहाँ मुझे क्या करना है, डिजिट राइटर, ये देखिए डिजिट रीड नहीं करना, राइट करना है, क्योंकि इसको ब्लिंक कराना है। तो मैंने क्या किया, डिजिट राइट, ठीक है। किसको कराना है भाई, कौन सा डिवाइस है जिसको डिजिट राइट कराना है मुझे, मेरा जो डिवाइस है जिसको मुझे डिजिट राइट कराना है वो है मेरा एलईडी बुलेटिन। तो जैसे मैंने इसको अप्लाई किया था बिल्कुल वैसे ही कर दूंगी मैं इसको, एल ये आ गया एलईडी बुलेटिन आ गया मेरा, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, अगेन इसको जो बताया था एलईडी बुलेट को क्या करना है, एक बार लो करना है, एक बार हाई करना है, ठीक है, तभी क्या होगी मेरी इसमें प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरफ चला गया है, इसको अंदर ले लिया है। अब क्योंकि इसको आउटपुट मोड में चाहिए था, लेकिन यहाँ मुझे आउटपुट मोड में नहीं करना है, इसको क्या करना है, एक बार हाई एक बार लो। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं किसके लिए, हाई के लिए, ठीक है। डॉट मैंने किया एच, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने एच किया हाई, क्योंकि वोल्टेज क्या है, एक बार हमें हाई करनी है, एक बार क्या करनी है लो। यहाँ किया, इसके साथ मेरी इसके लिए प्रोग्रामिंग हो गई, ये लाइन मेरी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मैंने एक बार क्या कर दिया है, इसको कर दिया है। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, एक बार जले, लेकिन क्या कुछ समय के लिए हम कर देंगे, क्या कुछ समय के लिए जलने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए हम क्या कर देंगे, डिले, ठीक है। देखिए यहाँ डिले का ले लिया आ रहा है आपका, डिले माइक्रो सेकंड्स के लिए आ रहा है, ये देखिए पहला ही आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। ये आ गया डिले, तो डिले कितना कराना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ लग दे रही हूँ 1000, तो 1000 का मतलब है 1 सेकंड के लिए आपका, है ना, मिली सेकंड्स में होता है, तो ये 1000 का हो गया। नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा जलने के लिए, अब हमको क्या करना है, इसको बुझाना भी है, हाई होने पर जलेगा, लो होने पर बुझेगा, और बुझने के बाद भी क्या लेगा, 1000 मिली सेकंड का पॉज लेगा, ब्रेक लेगा, डिले करेगा। तो सेम ही प्रोग्रामिंग हमको जो हमने राइट के लिए की है, डिजिटल राइट एलईडी बुलेट हाई के लिए की है, हमको सेम चीज लो के लिए कर देनी है, ठीक है। तो सेम ही कोडिंग हम करेंगे, हाई के बजाय हम लो के लिए करेंगे, डिजिट, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर एलईडी के लिए करनी है, तो मैंने यहाँ से देखिए एलईडी बुलेटिन यूज कर लिया। एक बार सिर्फ कोडिंग आपको समझ में आए, अपने आप फटाफट आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ लिखना ही नहीं है, हर चीज़ लिखने पर अपने आप आ रही है। तो ये देखिए डॉट एल प्रेस किया, तो यहाँ देखिए पहले एच प्रेस किया था तो हाई आ गई थी, अब डॉट प्रेस करती है देखिए ये लो आ गया,
ठीक है, अब लो आ गया तो मुझे क्या करना है भाई, बुझने के बाद भी क्या करना है, तुरंत जलना नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, डिले कराएंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, डिले, डी ई एल करते ही डिले आ गया, और इसको भी मैं क्या करूँगी, 1000, ठीक है, मिली सेकंड का मैंने क्या कर दिया, इसको पॉज दे दिया। तो इसके साथ ही क्या है, मेरी प्रोग्रामिंग हो गई कंप्लीट। मैं इसको कर देती हूँ सेव, सेव करना चाहे तो आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है, ये मांग रहा है इसके लिए, अदरवाइज ठीक है हम क्या कर सकते हैं, इसको अब हमारी प्रोग्रामिंग कंप्लीट है, इसके साथ हम इसको रन करा सकते हैं। अगर इसमें कोई एरर है तो वो आपका करेगा, नहीं तो इसको ये डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आपका क्या दे रहा है, आउटपुट पर आपका ये एरर डिस्प्ले करा रहा है, वॉइड सेटअप, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए आउटपुट डॉट आउटपुट पर आपका क्या कर रहा है, इन एक्सपेंशन ऑफ माइक्रो आउटपुट आपकी एरर डिस्प्ले करा रहा है, कौन कौन सी पोजीशंस पर करा रहा है, जहाँ जहाँ करा रहा है। अगर आपका इस तरह का ये जो सबसे पहले तो ये आपको इन्फॉर्मेशन करेगा, देखिए बुलेट जो सॉरी बिल्ड फेल करके आपको एरर शो कर रहा है, तो अगर एरर शो करेगा तो इसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ कोडिंग में एरर हो सकता है आपके, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चीज़ों को मेथड्स को वहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इसमें एरर आती है तो हम इसको यहाँ वापस इसमें आएंगे, ये देखिए हाई और लो दोनों पर क्या दे रहा है, हमको एरर दे रहा है ये, ठीक है। तो इस एरर को हमको क्या करनी है, दूर करनी है, ठीक। तो हम ये वापस इसके ऊपर आएंगे और यहाँ ठीक है इसको फिर से वॉइड सेटअप किया, एक बार फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अपने जो आउटपुट डिवाइस लिया है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ये नहीं पता चलता कि हम कौन सा लेटर इसमें है, तो कॉमा की जगह डॉट अगर आपसे लग जाता है गलती से तो आप इसको देखकर कर सकते हैं, देखिए हमने यहाँ डॉट लगाया था, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पर एरर थी, आपका जो इसके कलर कोड्स हैं वो भी आपको ये बताते हैं कि आपकी जो कोडिंग है वो सही है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जो कोडिंग हमारी आ रही थी वो देखिए उसमें कलर चेंज आ रहा था, इसका मतलब ये जो आउटपुट मोड है ये इसका इसमें इसके अंडर में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। देखिए आपको दे मेथड ज़रूर बता रहा था कि आप लो या हाई आउटपुट क्या करेंगे, लेकिन कलर चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। चलिए इसको एक बार फिर से रन करते हैं तो देख लेते हैं इसमें, ये देखिए अगर आपको इसका इफेक्ट नज़र आ रहा हो तो ये देखिए ये है हमारी, ये देखिए ये हमारी जो एलईडी है यहाँ पर आपको ये ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही होगी, पता नहीं मुझे आपको नज़र आ रही है इतनी दूर से कि नहीं, मुझे तो यहाँ क्योंकि मैं बहुत पास खड़ी हूँ इसके, तो यहाँ ये देखिए ये वाले पोर्शन में, एक मिनट अगर मैं इसको पॉज कर देती हूँ तो यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप मैं अभी इसको हटाऊंगी तो देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें जो एलईडी है आपको ब्लिंक करती हुई नजर आएगी, यानी कि जो रेड लाइट है वो जलती है बुझती नजर आएगी, ठीक है। तो ये देखिए हम कर लेते हैं, यहाँ देखिए ये बराबर आपको ये देखिए रेड लाइट जलती है बुझती नजर आ रही है। तो आप अगर प्रोग्रामिंग बिल्कुल सही करेंगे, बहुत ही ईजी चार लाइन की प्रोग्रामिंग है, बिल्कुल सही करेंगे तो क्या होगा, ऐसी
ही लाइट आपको जलती या बुझती नजर आएगी, है ना। तो बहुत मुश्किल नहीं है, देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने सेटअप में अभी हमने गलती क्या की थी अपनी इसमें कोडिंग में, तो यहाँ पर डॉट लगाए थे, इसमें डॉट के बजाय यहाँ कॉमा आएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया तो देखा कि आउटपुट में, देखिए गलती होना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम गलती नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर परफेक्टनेस नहीं आएगी। अगर पहली ही बार में आपका कोड रन कर जाएगा तो क्या होगा, आपको लगेगा हाँ मैं तो भाई बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ठीक है। अब इतनी कोडिंग करने के बाद भी अगर गलती होती है तो क्या होता है भाई, लगता है कि हाँ अगेन एंड अगेन हमको क्या करना है, और सीखना है और सीखना है, ठीक है। और बहुत सारी गलतियां करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना नहीं कि बिल्कुल डिप्रेशन हो जाए, तो डिप्रेशन की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से है। अब देखिए हम, ये तो हमारा क्वेश्चन रन हो गया, सिंपल प्रोग्राम था। अब मैं फटाफट आपको कोडिंग यहाँ पर बताती जाती हूँ कि किस तरीके से आपको करनी है सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। तो मैंने यह इसको बंद कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो इसको अगेन एंड अगेन इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, करके ये प्रोग्राम आपका रन करता रहेगा, ठीक है। तो ये पहला प्रोग्राम है, अब मैं इसको ये हटा देती हूँ यहाँ से। अब चलते हैं वापस हम अपने क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर टू है, एक ही क्वेश्चन तो नहीं करना है ना, क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर टू की तरफ करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, इसमें हमको क्या करनी है, देखिए अब आपको एक क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ गया, रेड ब्लिंक करती हुई आपको नजर आ गई, बाकी के लिए भी आपको ये कर रहा है। मैं फटाफट कोडिंग बता देती हूँ आपको कैसे होगी। देखिए हमको क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हमको डिजाइन करना है काउंटर, ठीक है। तो काउंटर, क्योंकि प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो जो काउंटर हमारा होता है वो क्या करता है, काउंट करता है किसी चीज को। लेकिन अब हमको क्या करना है, एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर यूज करना है। तो मैंने अभी बताया जो एटमेगा जो माइक्रो कंट्रोलर होता है आपका, जो कि जो आपके बोर्ड होता है उसका एक तरीके से आप ब्रेन कह लीजिए वो होता है, उसको यूज़ करके हमको क्या करना है, काउंटर क्रिएट करना है। एंड उसके लिए क्या करना है, अगेन सेम प्लेटफॉर्म हमको यूज़ करना है। अब समझ ही आ गया आपको। तो ये क्या करना है, डिले डिस्प्ले द नंबर ऑफ एंट्रीज पर डे इन एन ऑफिस। तो एक ऑफिस में हमारी जितनी एंट्रीज होती हैं पर डे, उसको क्या करनी है, हमको डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमको कोडिंग करनी है, ठीक। तो कोडिंग करने के लिए किस तरह की कोडिंग होगी वो आपको प्रैक्टिकल हो गया है आपका, मैं यहाँ कोडिंग आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसमें कोडिंग है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल, इस कोडिंग को ट्राई करिएगा अपने उसके ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था। ये जो हमारा ये है, ठीक, क्वेश्चन को समझिएगा कि किस किस चीजों की आपकी जरूरत है, ठीक है, एज ए इनपुट आपको करने के लिए, एंड बिल्कुल किस तरीके की आपको जरूरत है। न्यू प्रोग्राम कर लेते हैं इसको, चलिए मैं इसको डिलीट कर रही हूं। इसमें किस तरह की कोडिंग मुझे यूज करनी है, सेटअप पे मुझे क्या यूज करना है, एंड किस तरीके का मैं इसमें यूज कर सकती हूँ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एंड लूप में मुझे क्या करना है, ठीक है। तो लूप में मुझे क्या करना है कि जितनी बार भी किसी की एंट्री हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जितनी बार भी किसी की एंट्री हो वो क्या करेगा, मुझे उसमें क्या करना है, जितनी बार भी किसी की एंट्री हो वो क्या करेंगे, उसमें काउंटर में वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। वो क्या करते जाएंगे, उसके काउंटर में वो क्या करते जाएंगे, एंटर होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे भी कोई नया क्या एंट्री किसी के अंदर हो वो क्या करता जाए, वो उसके अंदर वो मुझे क्या करता जाए, उसमें एंटर करता जाए कि नई एंट्री को वो क्या करता जाए, काउंट करता जाए। तो सबसे पहले हमको सेटअप में देखना है कि क्या करना है, इसमें किसकी क्या क्या चीज़ें हमको ऐड करनी है इसके अंदर, ठीक है, एंड किस तरीके से हमको लूप में काम करना है, ठीक। तो देखिए अगर हमें इसके अंदर इसकी सेटअप के अंदर एंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें सेटअप करना है, तो इसमें सेटअप से पहले हमको क्या करना है, इसमें लिक्विड क्रिस्टल आईसीडी डिस्क करना है, क्योंकि देखिए उसमें हमें
माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करने की बात हुई है, तो इसमें जो सेटअप आप इसका यूज़ करेंगे, सेटअप से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसके फाइल को भी इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप सेटअप ऐसे ही इसको बिगिन कर सकते हैं। तो सेटअप के अंदर आपकी जो मेन कोडिंग होगी, ठीक है, वो होगी सेटअप के अंदर। अगर आप मतलब अगर लिक्विड क्रिस्टल का डिस्प्ले कर रहे हैं, क्रिस्टल अगेन आप जी देख सकते हैं कि एक डिवाइस होता है ट्रांजिस्टर की तरह, जिसका आप यूज़ करते हैं इसमें कनेक्टिविटी वगैरह के लिए, ठीक है। तो अगर आप उसका यूज़ करते हैं उसमें मतलब इंक्लूड्स वगैरह करते हैं, तो आप इसको इसके ऊपर भी कुछ जो फाइल्स हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसका सेटअप और इसके अंदर जो इसमें आपका यूज़ होगा, इसके अंदर जो आप कोडिंग यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह की कोडिंग आपकी होगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपकी कोडिंग होगी उसमें आप करेंगे, ठीक है, हैश इंक्लूड में आपको इंक्लूड करना है इसमें लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। और लिक्विड क्रिस्टल आपको क्या करना है, एक हेजन हेडर फाइल इसमें इंक्लूड करनी है। क्यों? क्योंकि जिस डिवाइस को हम यूज करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी उसमें क्या करेंगे, लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको जैसे नहीं आपको जरूरत है, क्योंकि अभी हम सेटअप में इसको यूज करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे इसको सेटअप में जिस तरीके से हम आपको इसको यूज करेंगे वो चीजें हमें सेटअप से पहले डिफाइन करनी पड़ेंगी इसकी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज इसका नाम तो नहीं डिस्प्ले कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा इसका अलाइज नेम बता देना उर्फ करके, यानी कि बार बार हमको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, हमने क्या कर दिया इसका LCD बना देंगे, ठीक है। LCD हमने एक नाम दे दिया, अब इस LCD जो है उसको यूज करेंगे, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी हम इसको करना चाहें, ठीक है, इसको यूज करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो वॉइड सेटअप वाला है उसको करेंगे बिल्कुल एज इट इज, आप इसकी कोडिंग करिएगा, ठीक है। जो वॉइड सेटअप है हमारा, इसमें क्या है आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, एंड उसके बाद है आपके कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली जो ब्रेसेस है उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिगिन करेंगे किसकी कोडिंग के लिए। तो आपकी जो मेन कोडिंग है इसके अंदर LCD के लिए, लिक्विड क्रिस्टल के लिए जो हमने यूज़ किया है, उसमें आप जो आपने यूज़ किया है उसको आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ये आपकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है, इसके साथ आपको क्या करना है, अब क्योंकि आपने किसका क्या बना दिया है, लिक्विड क्रिस्टल का LCD, तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है LCD, है ना। LCD का क्या करना है आपको, डॉट क्या करना है, बिगिन करना है 1, 6, मतलब जिस भी तरीके से आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, 2, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जितना भी सेटअप इसमें यूज हो रहा है हम इसके इसमें यूज करेंगे, एंड यूज करने के बाद जितनी भी चीजें हमको इसमें यूज करनी है, जैसे कर्सर के लिए हमको क्या लेना है और किस तरीके से डिस्प्ले कराना है, वो पूरी कोडिंग करने के बाद हम करेंगे इसके वॉइड किसकी कोडिंग, लूप, ठीक है। अब जो इसका वॉइड लूप है, वॉइड लूप की कोडिंग कैसे करेंगे, अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कर्सर सेट करेंगे किसके लिए, LCD, है ना, LCD लिक्विड क्रिस्टल जो हमने यूज किया है उसका LCD अलायंस बनाया है, डॉट सेट कर्सर, ठीक है। कर्सर करने के बाद हम क्या करेंगे, 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाने नहीं भूलिएगा इसमें, जहां पर भी इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये यूज होते हैं आपके। तो जो है इस तरीके से आप इसकी पूरी एक कोडिंग कर लीजिएगा कि किस तरीके से आप लूप चाहते हैं। सबसे पहले आप चाहते हैं वेलकम टू माई क्लास, आप यूज कर रहे हैं उसमें कि प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ दे दीजिए LCD डॉट प्रिंट, ठीक है। एंड प्रिंट में करा दीजिए भाई, जैसे नॉर्मल प्रिंट कराते हैं डबल कोट्स
इसमें दे दीजिए, अपनी क्लास का नाम दे दीजिए, ठीक है, वेलकम, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, आप इसका पूरा बना दीजिए कि किस तरीके से जैसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हैं उस प्रोग्रामिंग को पूरा डिस्प्ले करा दीजिए और उसमें काउंटर्स लगा दीजिए। करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए, इसके कर्ली ब्रेक्स क्लोज करने के बाद जिस तरीके से हमारा ये जो यहाँ प्रोग्राम था, ठीक है, इसको करने के बाद आप रन कराएंगे तो जिस तरीके से हमारा ये एलईडी का प्रोग्राम है रन का, मतलब उस जो अभी मैंने वॉइड में लिखा था वो सेटअप में पूरा टाइप कर दीजिएगा एंड आपका जो लूप वाला जो प्रोग्रामिंग है जिसमें आप ये डिस्प्ले कराएंगे कि किस तरीके से आपको लूप में प्रोग्रामिंग मतलब क्या क्या चीज़ें प्रिंट करानी है, ठीक है। जैसे हमने अभी लिक्विड क्रिस्टल का कराया तो उसका जो पूरा डिटेल था सेटअप में हमने लगा दिया एंड उसके बाद जो कर्सर वगैरह का जो कंट्रोल था या लूप या डिस्प्ले या प्रिंट क्या कराना है उसके ऊपर वो हमने लूप में करा दिया एंड उसके बाद जब हम इसको रन कराएंगे, ठीक है, ये तो देखिए रन करने पर आपका आपका अभी तो मैंने हटा दिया प्रोग्राम तो वो चला गया, तो अब जो भी इसके अंदर आप प्रिंटिंग करेंगे तो उसका प्रोग्राम उसका डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो उसमें ये आपका डिस्प्ले करेगा कि जितनी बार भी आपकी कोई एंट्री एक नई होती है उतनी बार वो क्या करेगा, उसको एक एक उसमें ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की आप फटाफट एक कोडिंग देख लीजिए कि किस तरीके से इसके अंदर होगी, ठीक है। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें उसका जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस अ टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर सेंसर है वो क्या हुआ है, एक डिवाइस है, अगेन यूज हो रहा है किस चीज के लिए, एंड ए वाटर नोजल, अगेन डिवाइस यूज हो रहा है टू मेक द वाटर फ्लो फ्रॉम द नोजल व्हेन द रूम टेम्परेचर इज अबाउट 34 डिग्री सेल्सियस एंड स्टॉप व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो द 18 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो पुट ए कंडीशन ऑन मैक्सिमम ऑन टाइम ऑफ द नोजल एज 2 मिनट्स। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, डिले टाइम भी इसमें लगाना है, ठीक है। तो डिले टाइम भी, डिले लगाने का तरीका भी आपने देख ही लिया कि किस तरीके से आप इसमें डिले लगाते हैं। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग इसके लिए भी सिंपल है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका जो यहाँ जो हमने किया था इसको देख लेते हैं, इसकी जो प्रोग्रामिंग है इसका जो वॉइड पार्ट है, ठीक है, इसके जो वॉइड पार्ट है, अच्छा इसको करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या क्या यूज किया है, ये जो हमारा वॉइड सेटअप पार्ट है इसको करने से पहले, ठीक है, इसकी कोडिंग करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इससे ऊपर क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी इसमें, टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर का सेट भी करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम टेम्परेचर के लिए एक कांस्टेंट भी ले सकते हैं क्योंकि सेल्सियस इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से हम इसे सेट करेंगे, तो उसके लिए हम एक सेट कर सकते हैं कांस्टेंट INT टेम्परेचर इज इक्वल टू, ठीक है, एक वैल्यू इसके लिए सेट कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड इसके बाद जितनी भी चीजें हमको या नोजल वगैरह के लिए जितनी भी है चीजें सेट करनी है, देन हम वॉइड सेटअप में क्या करेंगे, टेम्परेचर के लिए सेट करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमने ये सेंसर के लिए सेट किया इस तरह हम नोजल के लिए भी करेंगे क्योंकि टेम्परेचर सेंसर और नोजल दो चीजें इसमें यूज हुई हैं, ठीक है। अब उस दोनों को करने के बाद हमारा जो सेटअप आएगा उस सेटअप के अंदर हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जितने भी अलायंस वगैरह, अगर हमारे अलायंस तो हमने नहीं बनाए हैं तो जितने भी हमारी इसकी कोडिंग होगी हम इसमें वॉइड सेटअप में यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसमें पिन मोड, ठीक है। तो जो पिन मोड है, पिन मोड के अंदर हमने क्या यूज किया था, इसमें टेम्परेचर पिन, ठीक है, टेम्परेचर पिन यूज हुई ना, क्योंकि अब हमको क्या यूज करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर पिन यूज हुई है आपकी, ठीक है उसको। एंड इसी तरीके से हमको क्या करनी है,
नोजल पिन का भी यूज करना है, दोनों को सेटअप को करने के बाद। ठीक है, हमारा जो दूसरा पार्ट है वॉइड, कौन सा पार्ट है, वॉइड लूप। ठीक है, तो वॉइड लूप पार्ट में हमको क्या करना है, लगाना है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके टेम्परेचर को मेड कर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके पार्ट में क्या करनी है, उसके लिए कोडिंग करनी है कि जिस तरीके से आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपके क्वेश्चंस की, उसके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट की कोडिंग करेंगे। ठीक है, एंड कोडिंग करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अगेन क्या करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पर रन कराएंगे। ठीक है, इस कोडिंग को हम रन कराएंगे। ठीक है, एंड रन कराने के बाद इसका जो भी आउटपुट होगा आपको साइड में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखने वाली बात है कि सेटअप में किस तरह के डिवाइसेस आपको सेट करने हैं, एंड लूप में किस तरह की उससे रिलेटेड कोडिंग करनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हम आपको सॉल्व कराएंगे आने वाले क्लासेस में। तो सबसे पहले आपको ये आने वाली क्लासेस के लिए आप होमवर्क समझ लीजिए या कुछ भी, कि देखने की ज़रूरत है कि हम किस, जैसे मैंने एलईडी के लिए सबसे पहले आपको कोडिंग ही करके बताई थी कि किस तरीके से हम किस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं डिवाइसेस के लिए, और डिवाइसेस की डिटेल दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे तरह के जो इसमें डिवाइसेज हैं, आप एक बार उसके डिटेल पढ़िएगा और देखिएगा कि किस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें सेटअप एंड देन उसकी लूपिंग करनी है, बस इसके दो ही फंड हैं। तो ये दो ही अगर आप चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको जो प्रैक्टिकल है हर बहुत ही सक्सेसफुली हो जाएगा। तो होपफुली स्टूडेंट लोगों को जो ये प्रोग्राम है, किस तरह प्रोग्राम करते हैं, अब तो आपको डर नहीं लग रहा होगा इसे देखकर, है ना, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हुआ है इसका, और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, तो बाकी के लिए भी आप और मुझे बताइए कि किस तरीके से आपकी कोडिंग हुई, और अगर कोई एरर आई है तो किस तरीके से आई है आपकी, वो भी बताइएगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।